मम्मा हाँ? आप क्या बना रहे हो? मैं आप वीडियो बना रहे हो? अच्छा बना रही हूँ। आप कैमरा ले ही आई हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि उस वक्त भी लेके आओ, फिर मैं बताती हूँ। अच्छा आप तीनों के लिए एक सरप्राइज है, क्या? एक सरप्राइज है सुबह के लिए। सुबह है फ्राइडे और सरप्राइज क्या होगा, क्या होगा सरप्राइज बताओ। अच्छा सुबह जो भी है हम इधर कर रहे हैं तैयारी सुबह के लिए, किस चीज की? वो मैं किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? पहले तो हम इसे धोएंगे अच्छे से क्योंकि ये काम हुआ है अभी। और ये देखिए, और नीचे मट्टी क्या? क्या? झूले? नहीं झूले नहीं, एक और उससे भी बड़ा सरप्राइज है। पहले आज तो हमने ये सारी सफाई करनी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक। और इधर बच्चे आपने देख तो लिया ही होगा और हमारा ना अचानक ही प्लान बना था कि सुबह फ्राइडे है और ये मिस्त्री वगैरह नहीं आने थे तो फ्री थे हम, तो फिर मैंगो पार्टी करते हैं। तो ये भी लॉग है, आइसक्रीम, इसमें सिर्फ मैं आपके साथ शेयर आइसक्रीम करूंगी। और मैंगो का जूस बनाना और मैंगो और मैंगो खाने। अच्छा पूल में बैठ के, उसमें स्विमिंग पूल में बैठ के खाने हैं। देना। और मैंगो की और चीज होती है मैंगो का केक। और सरप्राइज होगा आपके लिए। हाँ मैंगो कप केक भी बनाएंगे। हाँ ठीक है सफा। हाँ और सामने मैंगो। हाँ और यहाँ पर हो रही है प्लानिंग कि सुबह हमने करना क्या क्या है, क्या क्या खाना है। वो मुझे बता रहे थे कि आपने आइसक्रीम बनानी है और कप केक्स भी बनाने हैं मैंगो के, जो मैंने लास्ट टाइम ये वीडियो में भी शेयर किया था, तो काफ़ी एक्साइटेड थे बच्चे। ये मैं इधर लिख रही थी कि सुबह क्या क्या बनाना है और उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए और घर में कौन कौन सी अवेलेबल थी। तकरीबन सभी चीज़ें मौजूद थी, एक दो चीज़ें रहती थी वो फिर मैंने ना मंगवा ली थी इधर से। शाम का टाइम था, प्लान भी अचानक ही बना, तो मैं सोच रही थी कि कैसे मैनेज होगा, पर अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ अच्छे से ना मैनेज हो गया था। सारी चीज़ें भी बना ली थी, कुछ मैंने सुबह उठ के बनानी थी लेकिन कुछ जो यानी कि ज़्यादा टाइम जो लेती है ना वो फिर मैंने एक दिन पहले आइसक्रीम वगैरह और केक्स कप केक का बैटर जो है वो इस तरह की चीज़ें कुछ और भी वो मैंने शाम को रेडी कर ली थी। तो कस्टर्ड, मैंगो कस्टर्ड ये भी बनाया, ये भी मैंने शाम को ना रेडी कर लिया था। अच्छा नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आपके साथ सारा यानी कि क्या क्या हमने इंजॉय कैसे किया, कौन कौन सी चीज़ें मुझसे बन सकी और कौन कौन सी नहीं मैं बना सकी। तो क्योंकि शाम का टाइम था, खाना भी बनाना था मैंने, साथ ये भी तैयारियां हो रही थी। चलो ये तो सुबह के लिए था पर डिनर तो करना ही था ना, वो भी रेडी करना था। तो ये फिर हमारी तैयारियां हो रही हैं, बच्चे बस उन्हें पता चल गया था, अब बार बार आके ना कह रहे थे हमें ये करना है, हमें ये भी बना के दो, हमें ये भी करके दो, हमने मैंगो येलो वाले कपड़े पहनने हैं और बैलून भी येलो वाले लगाने हैं। तो पर इतनी जल्दी ना इतना नहीं हो सका, तो बस जितना होगा ना वो आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने शाम का खाना बना लिया था और अब मैं बना रही हूँ मैंगो आइसक्रीम। तो इसमें मैंने दूध और जो खुश्क दूध होता है नीडो मेरे पास था वो मैंने इसमें ऐड किया, और बलाई फ्रेश ये इसमें मैंने ऐड कर दिया, और चीनी डाल के तो इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया। हाफ बैटर जो सेपरेट निकाल के अलहदा से फ्रीज कर लूँगी और बाकी मैं मैंगो के स्लाइसेस डाल के ना वो उसमें अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, और कुछ मैंने सेपरेट रख लिए थे। यहाँ पर मैंगो आइसक्रीम का जो बैटर है वो रेडी है, इसे मैंने अच्छे से ना ब्लेंड कर लिया। ये अब किसी बाउल में निकाल लूँगी सारा बैटर जो है, इस पर अच्छे से ना रैप लगा दिया ताकि जो बर्फ़ के ऊपर बर्फ़ ना जम सके, यानी कि जहाँ पर हवा रह जाएगी ना वहाँ पे बर्फ़ बन जानी थी, इसलिए मैंने अच्छे से रैप लगा दिया। और तकरीबन 2 घंटे के लिए ना फ्रीज़ कर दूँगी, और ये मैंगो के क्यूब्स भी।
अच्छा, अब मैं कपकेक बना रही हूँ। इसमें मैं 4 अंडे यूज़ कर रही हूँ और चीनी डाल दी है, साथ में दूध और अच्छे से ना मैं ब्लेंड कर लूँगी। साथ मैंगो भी ऐड कर दिया और घी भी, मैं देसी घी इसमें यूज़ करूँगी। और इसमें वो ब्लेंड कर लिया है, साथ मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इन्हें छान के तो मैंगो का जो बैटर था यानी चीनी अच्छे से ना बारीक, यानी कि पिसी हुई नहीं मैं इसमें डाल रही, तो वैसे मैंने बारीक कर ली थी, अच्छे से मिक्स हो गई थी। साथ में इसमें मिक्स करके तो अच्छे से ना इसे अच्छी तरह मिक्स करना है, ताकि ना कोई गुठली वगैरह या चीनी का कोई रहना जाए। तो मुझे गाढ़ा लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें कुछ दूध ऐड कर दिया, थोड़ा थोड़ा करके ना 2-3 दफ़ा इसमें डाला था। जो हैंड बीटर होता है, मैंने उसके साथ 2-3 मिनट तक ना इसे अच्छे से बीट किया। अच्छा, इधर मैंने लाइट ऑन की थी, इसलिए कलर इस तरह है। चलें जी अगली रेसिपी की तरफ। अच्छा, पहले मैं बता दूं, ये रेसिपी मुझसे ना अच्छे से नहीं बनी थी, फर्स्ट टाइम बनाई थी, पर पता नहीं क्या, मैंगो काट के उनका पल्प ले लिया मैंने, इसमें चीनी डाल के तो थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, इसे अच्छे से ना पका लिया मैंने। पता नहीं चीनी ज़्यादा डालनी थी या कम, ये ना मैंगो स्वीट बनाने थे, इसके कोन बनाने थे, तो आगे देखते हैं। ये इसमें अच्छे से पका के तो लेमन डाल दिया, साथ में ज़ीरा और चाट मसाला भी थोड़ा सा डाल दिया था। अलहदा से ट्रे ले लिया है, इसमें ऑयल डाल दूँगी, तो मैंने देसी घी यूज़ किया। इसके ऊपर जो मैंगो पल्प बनाया है ना, वो इसके ऊपर अच्छे से ना कवर कर दूँगी, ट्रे में फैला दूँगी। इसे ना जम जाना चाहिए था, पर नेक्स्ट डे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो जमा नहीं है, पता नहीं इसे क्या, या तो चीनी कम पड़ी है, या दोबारा से मैं इसकी रेसिपी ना सर्च करके तो देखूँगी मोबाइल में। तो ये एज ए कस्टर्ड के ऊपर जेली जिस तरह डाल लेते हैं वैसे यूज़ कर लेंगे, मीठी जैसे चटनी नहीं होती उसी तरह बनी है। आगे देखिए सुबह मैं इसे इसके साथ क्या करती। चलें जी, ये भी मेरी न्यू ही, यानी कि मैंने एक्सपीरियंस था मेरा आज, तो देखते हैं अब क्या होता है। अच्छा, ये जो मैंने प्लान किया था ना, कि मैंने कस्टर्ड रेडी किया है, मैंने इसे कप्स को ना मैंने इस तरह करके फ्रीज इस तरह करना था, ग्लास में कस्टर्ड डाल दिया था हाफ, और इस तरह टेढ़ा करके रखना था मैंने। इसके लिए मैंने पता नहीं क्या क्या किया। अब ये देखें, ये पानी था नीचे, तो ऊपर उठाया है फ्रीज़र में रखने के लिए। गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, बर्फ़ मैं लेके आई हूँ बाहर, तो साथ पिघलना शुरू हो गई थी, और काफ़ी पानी, तो बड़ी दफ़ा ही ना, पर मैंने कहा मैंने इस तरह ना करना है, यानी कि फ्रीज़ इस तरह मैंने लाजमी करनी है। तो सुबह इसकी ना जो लुक है वो ज़रूर दिखाऊंगी अगले व्लॉग में। ये मैं ये देखें ज़रा, इस तरह करके मैंने फ्रीज़ करना था, थोड़ा सा ना टेढ़ा करके ग्लास को रखा। करना वैसे मैंने है था, एक दो दफ़ा मेरे साथ हुआ भी कि कभी बर्फ़ पिघल जाते नीचे से, तो गिर जाता था बर्फ़ में, तो आज ना तकरीबन बर्फ़ की बर्बादी हुई है। चले शुक्र है नेक्स्ट डे ना मिस्त्री नहीं थे लगने, नहीं तो फिर बर्फ़ नहीं मिलनी थी, सारे जो बर्तन है ना बर्फ़ वाले, इस तरह मैंने उन्हें ख़राब किया। गर्मी तो बहुत ज़्यादा, साथ साथ ही बर्फ़ पिघल रही थी, तो साथ साथ ही मैं डाल के तो फ्रिज में रखी जा रही थी। कुछ कप ना ठीक रहे, वैसे ही अपनी जगह पे ही रहे थे, तो अच्छे से ना हो गया था। उसकी मैं लुक जरूर आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, ये बर्फ़ मैंने ज़रा नहीं वेस्ट की, ये नेक्स्ट डे जो कूलर हम चलाते हैं ना, पानी वाला कूलर जो एग्जॉस्ट है, उसमें मैंने सारी बर्फ़ डाल दी थी। तो
रात का तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया था, 9 बजने वाले थे, 9:30 का टाइम था ये, देखा नहीं पर अंदाज़ा है कि यही टाइम था। तो मैं बाइक का आपको नहीं इस टाइम दिखा सकती क्योंकि जहाँ पे हमने मैंगो पार्टी करनी है ना, वो जगह सारी हमने अच्छे से वॉश की, घर भी सारा धो लिया था और बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड थे। बच्चे भी मेरे साथ ना तब से ही हेल्प करवा रहे थे, वरना वो पास ही नहीं आते होते। यहाँ पर जो आइसक्रीम है वो भी मैंने रेडी कर ली, थोड़ा थोड़ा ना तकरीबन 50% जम गया था, तो इसमें जो वाइट वाला बैटर सेपरेट किया था ना हाफ, बाद में मैंगो ऐड किए थे वो वाला, इसके ऊपर मैंने डाल दिया। साथ मैंगो के जो क्यूब्स वो भी सेपरेट किए थे, वो भी मैंने ना फ्रीज कर दिए थे डाल के, तो अच्छे से दोबारा रैप करके पूरी रात के लिए रख दिया फ्रिज में। अच्छा, ये जो कस्टर्ड बच गया था ना वो भी मैंने सेपरेट बर्तन में डाल के तो इसे भी फ्रीज कर लिया था। ये भी अलहदा से आइसक्रीम बन गई थी। चलेंगे अब इन्हें सबको मैं फ्रीज कर दूंगी। और ये देखे जो मैंने कप्स रखे थे ना, इस तरह सारे कुछ में से गिर गया था वो बर्फ़ ना पिघलने की वजह से बार बार फ्रिज खोलने से। चलें अब सुबह देखते हैं क्या कंडीशन होती है, आइसक्रीम भी रखती है और ये कप्स भी। वेलकम टू नेक्स्ट मॉर्निंग, ये है नेक्स्ट डे और मैं कंडीशन देख रही थी, तो जैसे मैं चाह रही थी ना अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही हो गया था। और एक या दो कप थे जो तकरीबन ना थोड़े से सीधे हो गए थे, और इनकी शेप चेक कर लें, कोई भी एक दूसरे से मिलती रही है। अच्छा, ये मैंने जाली सुबह उठ के रेडी की, वो इसमें डाल दी और या मैंने तो लुक ले रही थी। अब मैं कैसा लगा, उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।